हमारा दुकान 1936 से हमारे बाबूजी चलाया करते थे। बाबूजी के इंतकाल करने के बाद मैं चला। ऑनलाइन जब से हो गया तब से हम लोग का बिजनेस ठप हो गया मैडम। सस्ते दामों पे बेचते हैं और मिडिल क्लास स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत हेल्प हो जाती है। मैं लाली जी आए हुए थे, हम लोग को मतलब हेल्प करते थे कि आप रो रही है, गरीब आदमी है अच्छे। नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गांधी मैदान के पास सजी किताबों की इन दुकानों में। ये किताबों की दुकानें जिनका अपना ही एक इतिहास है। ये दुकानें यहाँ करीबन 40-45 सालों से लगाई जा रही है और ये जो किताबें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कभी लालू यादव, कभी बिहार के अन्य कोई मंत्री यहाँ आए हैं, कभी किताब उठा कर लेकर गए हैं तो कभी इन दुकानों को बचा कर गए हैं। आज इसी सिलसिले में हम यहाँ के दुकानदारों से मिलने आए और इस वक्त मेरे पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं ये यहाँ 42 सालों से लगाई जा रही है। दुकान वाले का नाम है मोहम्मद अख्तर अली अंसारी और अख्तर जी ने मुझे बताया कि लालू यादव किस तरीके से उनके हीरो हैं। उनकी कहानी मैं अपनी ज़ुबान से आपको नहीं सुनाऊंगी, तो चलिए अख्तर जी से ही जानते हैं कि उनकी दुकान के लिए लालू यादव हीरो कैसे बने थे। लालू यादव हीरो कैसे बने आपसे? जब बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी जब हमारे दुकान पर आए तो गांधी मैदान में बहुत सारी पानी भरी हुई थी, उसके साथ बहुत गाड़ियाँ थी। उसके बाद राजबाला बर्मन वहाँ पटना के DM थे, राजबाला बर्मन ने कहा कि इन सारी दुकानों को हटा दो। तो लालू यादव ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू यादव ने कहा कि इस दुकान को नहीं हटाया जाए, ये लोग बिहारी बुक बेचते हैं, लोग विद्यार्थियों को किताब बेचते हैं, इन लोग को किताब नहीं हटाते। फिर वहाँ से चले गए। उसके बाद कभी लालू यादव वापस आए सर्वेक्षण करने? सर्वेक्षण करने आते थे, गाड़ी पर आते थे, हाथ हिला के चले जाते थे। लालू यादव के अलावा अन्य कभी कोई नेता आया किताबों को देखने, किताबें खरीदने? हाँ, ऐसे चंद्रवंशी, प्रेम कुमार चंद्रवंशी भी आते थे, बेंटी मुलाकात करते थे, चले जाते थे, किताबों उताबों देखते थे, चले जाते थे। जी, और बताइए कि कभी ऐसा कोई हुआ कि आपकी दुकान खतरे में पड़ी, आपको कभी रेंट के लिए परेशान किया गया? नहीं, हमारे किताबों को दुकान में कोई भी रेंट के लिए परेशान नहीं किया, किसी ने भी हमारे परेशान किया। इसलिए इस जगह के लिए कितना भाड़ा देते हैं आप? भाड़ा एक पैसा नहीं देता हूँ, इसलिए कि हमारा दुकान 1936 से हमारे बाबूजी चलाया करते थे। बाबूजी के इंतकाल करने के बाद मैं चला। तो कभी किसी ने परेशान भी नहीं? जी नहीं, किसी ने परेशान। सब किसकी वजह से? सब किसी, यहाँ के सारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है ना, वो भी अच्छे आदमी है, वो भी एक अच्छे इंसान है, वो भी अभी कार्य अच्छे कर रहे हैं, उनका भी काम अच्छा चल रहा है, वो भी अच्छे इंसान है। वो भी कहते हैं कि फुटपाथ दुकानदारों को थोड़ा साइड करके लगाने दो, उनको हटाया नहीं जाए, उनके रोजी रोटी को नहीं छाए। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार की जो दुकानें हैं, जहाँ से IAS IPS न जाने कितने लोग निकले हैं जिन्हें कभी नीतीश कुमार ने तो कभी लालू यादव ने बचाया है। हर एक दुकान की अपनी एक कहानी है और ऐसे ही चलिए हम आपको एक चलते हैं दूसरी दुकान पर जो पिछले 45 सालों से यहाँ पर लगी हुई है। अब बॉन्डी घर आ गया ना, तो अब लोग बहुत कम ही आते हैं। बॉन्डी खुला हुआ रहता था ना, तब उसके उपरांत है ना, लोग आते जाते रहते थे। अब है कि बॉन्डी घर आने के बाद है ना, बहुत दिक्कत हो गया। बाउंड्री घर आने से बहुत दिक्कत हुई आपको? लोगों को भी दिक्कत हुआ, दुकानदार को भी दिक्कत हुआ। जी, दुकान पर हटाने के लिए कभी कोई परेशान किया? बता रहे थे कि रामकृपाल यादव आए थे एक बार किताब खरीदने। हाँ, वो आते जाते रहते हैं। एक बार मोदी जी के सिस्टर भी आई हुई थी, तो वो कॉलेज वगैरह का किताब खरीदे थे, तो अवेलेबल नहीं हुआ था। अच्छा, अवेलेबल नहीं था सब किताब। हाँ, और IAS IPS लोग तो बहुत आए होंगे। हाँ, वो सब तो आते जाते रहते, मतलब आपकी दुकान की किताबें खरीद के बहुत लोग IAS IPS। बहुत एक्सेस था, हर साल करीब 60% स्टूडेंट है ना यहाँ से निकल जाते हैं। इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, जितना कम्पटिटिव है उसमें निकाल ही लेते हैं। कौन कौन सी किताबें बेचते हैं सर यहाँ? कॉम्पटिशनल बुक, कॉलेज बुक, मेडिकल बुक, नोबेल वगैरह। कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ? 35 साल से। 35 साल हो गए आपको? 35 साल में क्या क्या बदलाव देखे इस जगह में? लालू जी से लेकर नीतीश कुमार तक, लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक क्या डिफरेंस देखा है? हम लोग को उस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लालू जी रहे चाहे कोई, अपना बड़ा काम किया, अपना कमाए और उसका आराम से दो रोटी खाए और उसका आराम से। दुकान के लिए कितना भाड़ा देते हैं? वही 4,041 सौ रुपया। देखते रहिएगा, नज़रें बनाए रखिएगा, ये वही दुकानें हैं जहां कभी लालू यादव, कभी नीतीश कुमार कंपटीशन की किताबें खरीदने आए हैं। और अभी भी जैसा ये खुद बता रहे थे कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहां से IAS और IPS बनकर निकलते हैं, तो यहीं से इसी इलाके से, खास तौर पर इसी दुकान से कॉम्पिटिशन की जो किताबें होते हैं
उनको खरीदते हैं। अब बॉन्डी घर आ गया ना तो अब लोग बहुत कम ही आते हैं। बॉन्डी खुला हुआ रहता था ना तब उसका उपरांत था ना लोग आते जाते रहते थे। अब है कि बॉन्डी घर आने के बाद है ना बहुत दिक्कत हो गया। बाउंड्री घर आने से बहुत दिक्कत हुई आपको? लोगों को भी दिक्कत हुआ, दुकानदार को भी दिक्कत हुआ। जी, दुकान पर हटाने के लिए कभी कोई परेशान किया ना? उसका का सवाल है। बता रहे थे कि राम कृपाल यादव आए थे एक बार किताब खरीदने। हाँ, वो आते जाते रहता है। एक बार मोदी जी के सिस्टर भी आई हुई थी तो वो कॉलेज वगैरह का किताब खरीद रही थी तो अवेलेबल नहीं हुआ था। अच्छा, अवेलेबल नहीं था सब किताब। हाँ, और IAS IPS लोग तो बहुत आए होंगे। हाँ, वो सब तो आते जाते आते जाते रहते। मतलब आपकी दुकान की किताबें खरीद के बहुत लोग बहुत एक्सेस था। हर साल करीब 60% स्टूडेंट है ना यहाँ से निकल जाते हैं। इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, जितना कम्पटिटिव है उसमें निकाल ही लेते हैं। कौन कौन सी किताबें बेचते हैं सर यहाँ? कॉम्पटिशनल बुक, कॉलेज बुक, मेडिकल बुक, नोबेल वगैरह। कितने साल से लगा रहे हैं यहाँ? 35 साल से। 35 साल हो गए आपको? 35 साल में क्या क्या बदलाव देखे हैं इस जगह में? लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक क्या डिफरेंस देखा है? हम लोग को उस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लालू जी रहे चाहे कोई। अपना बड़ा काम किया, अपना कमाए और उसका आराम से दो रोटी खाए और उसका आराम से। दुकान के लिए कितना भाड़ा देते हैं? वही 4,041। ये वही दुकानें हैं जहाँ कभी लालू यादव कभी नीतीश कुमार कॉम्पिटिशन की किताबें खरीदने आए हैं। और अभी भी जैसा ये खुद बता रहे थे कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ से IAS और IPS बनकर निकलते हैं, वो यहीं से इसी इलाके से खास तौर पर इसी दुकान से कॉम्पिटिशन की जो किताबें होते हैं उनको खरीदते हैं। लालू जी जिस समय मंत्री थे ना उस समय लालू जी आए हुए थे और हम लोग को मतलब हेल्प करते थे कि आप लोग रहिए गरीब आदमी है अच्छे। अब तो हम लोग के पेट पर भी आफत हो गया है, न खा सकते हैं न पी सकते हैं, किराया देना है जो पूरा बॉन्डी गिरा गया है, न हम लोग के कस्टमर आता है न कुछ आता है, पड़े रहते गरीब आदमी और क्या किया जाए। सबसे प्रिय लालू प्रसाद यादव जी थे जो उनके समय में था तो हम लोग आगे तक दुकान लगाया करता था। जब नीतीश बाबू आए तो देख लीजिए हमारा दुकान पूरा घेरा गया है। आज से नहीं, 1964 से यहाँ दुकान लग रही है हमारी। सबसे पुरानी दुकान मेरी है, पहले यहाँ पे थाना था, अब ये उद्योग भवन बन गया। वहाँ से बाबूजी सबसे पुराने दुकानदार मेरे यहाँ के थे, जो सबसे पुराने जो यहाँ से कबाड़ी से किताब लाते थे, 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो खरीदते थे, यहाँ पे बेचते थे 50 रुपये 60 रुपये पैसे। अब तो वो रिस्पॉन्स सब खत्म हो गया। ऑनलाइन जब से हो गया तब से हम लोग का बिजनेस ठप हो गया मैडम। ताकि पहले से शांति है, शांति होती है यहाँ पर। बाउंड्री की वजह से दिक्कत बताया? हाँ, दिक्कत तो है बाउंड्री से, कस्टमर लोग है ना बाहर से नहीं आ पाते हैं। जो आगे में उनका आता है जो साल में नहीं आता है। कभी किसी नेता से भेंट हुई इतने 40 सालों में कोई दुकान पूछने आया? एक आते हैं जिस नमीन आते हैं हमेशा। अच्छा, वही आते हैं, आते हैं। यहाँ पे हम लोग का किताब दुकान काफ़ी पुराने समय से है। हमारे पिताजी, बड़े पिताजी और बड़े चाचा जी वगैरह लगाते हैं। करीब 1975 के आसपास से यहाँ पे दुकान लग रही है और यहाँ पे पुरानी किताब हम लोग बेचते हैं, सस्ते दामों पे बेचते हैं और मिडिल क्लास स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत हेल्प हो जाती है और यहाँ से अच्छे अच्छे अधिकारी बन के निकलते हैं तो फिर आके यहाँ पे थैंकफुल करते हैं हम लोगों को। 50 सालों में दुकान ने क्या क्या बदलाव देख लिए? 50 साल पहले था कि हम लोग रोड पे लगाते थे, ऐसे ही बिछा के लगाते थे। फिर 2008 में BRDA अलॉटमेंट कर दिया था, हम लोग दुकान के तौर पे अब अस्थाई रूप से लगाते हैं। पहले था कि दिक्कत थोड़ा ज़्यादा था लेकिन अब है कि कुछ हद तक सही है। सरकार को धन्यवाद करेंगे इसके लिए? सरकार को तो धन्यवाद हाँ कह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि पहले ये सब बाउंड्री नहीं था जिसके कारण कस्टमर डायरेक्ट आते थे। अब थोड़ा कुछ हम लोग को दिक्कत होने लगा इधर 1-2 साल से। बाउंड्री बनने के बाद क्या कस्टमर्स कम हुए हैं? बाउंड्री बनने के बाद कस्टमर भी कम हुए हैं और हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है। कस्टमर यहाँ रुक नहीं पाते, आने का साधन नहीं है। एक तो मेन गेट एक ही है, वहाँ से सब कस्टमर नहीं आ पाते हैं और पीछे वाले रूम में चले जाते हैं जिसके कारण हम लोग को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बताइए कितने साल हो गए दुकान को? दुकान को करीबन 50 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारे पिताजी, बड़े पिताजी यहाँ पर बहुत पहले से लगाते थे, फिर हमारे पिताजी भी लगाते हैं और हम भी उसी दौर में चल रहे हैं। तो देखा आपने कि ऐसी ऐसी दुकानें हैं जो शायद 4 साल पहले शुरू हुई, तो वही कई ऐसे स्टॉल्स हैं जिन्होंने गांधी मैदान को बदलते देखा हुआ। 50 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। पीछे मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगी एक बाउंड्री यहां पे आपको दिखा दी जाए जिसे लेकर यहां लगभग
अब हर एक दुकानदार जो है इसकी शिकायत कर रहा है कि कस्टमर्स और दुकानों के बीच में अब ये जो बाउंड्री है वो रुकावट बन रही है। अब कस्टमर्स कम से कम यहाँ आ पाते हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि पहले ये बाउंड्री कुछ वर्षों पहले तक यहाँ पर नहीं थी, तो कस्टमर सीधा बाइक यहीं लगाते थे और दुकानें खरीदने सीधा दुकान तक पहुँच जाते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ एक मेन गेट होने की वजह से दिक्कतें काफ़ी बढ़ गई है। तो देखा आपने कि कैसे गांधी मैदान की ऐसी दुकानें हैं जिनका इतिहास तब से है जब लालू यादव यहाँ से कभी किताबें खरीदने आया करते थे, तो अब वो कि एक ऐसी बाउंड्री बना दी गई है जो कस्टमर्स और इन्हें बीच में रोकती है। आपको हमने ऐसे दुकानदारों से भी मिलवाया जो लालू यादव को अपना हीरो भी बता रहे हैं, और ऐसे दुकानदारों से भी मिलवाया जो कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से, जिन्हें जो नई नई बाउंड्री जिसे सरकार ने सुरक्षा के अनुरूप बनाया था कि इससे चीज़ें बेहतर रहेंगी, उस बाउंड्री से जुड़ी शिकायतें भी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको फिर से एक ऐसे ही बिहार के किसी हिस्से की कहानी दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं हूँ सौम्या राठी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़।